बच्चे बच्चे को पता है कि ये पिंडी इस्लामाबाद में क्यों हो रहा है, क्योंकि हेडक्वार्टर पिंडी में आ जाता है, तो पिंडी इस्लामाबाद का इकट्ठा वो लिंक वाला कर सिलसिला जाता है। कैपिटल का ही वो आ जाता है, कि ये जो पकड़ना था अपने दुरानी दुरानी साहब आगा सर को, दुरानी। आगा सिराज दुरानी साहब को, नैब को कितने दिन इंतजार करना पड़ा कि जब वो यहाँ पे आए आएंगे तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद का पकड़े, क्योंकि सिंध सिंध के के अंदर। अंदर अदालतें सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वहां पे लोग ताबून नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट अपनी है, प्रिसाइजली इसलिए पिंडी में, बाकी केसेस भी यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में आने चाहिए, क्योंकि वहां पे डर यह था कि अगर सुराज दानी को गिरफ्तार करने की कोशिश करते तो वहां पे पुलिस वालों ने, पुलिस भी अपनी है, स्टाफ भी, गिरफ्तार किसने करना था, रेंजर वर्सेज पुलिस होके वहां लड़ाई होने का खतरा था कि लाशें गिर जानी थी, वो जितने प्राइवेट और सरकारी गार्ड्स लेके चलते हैं, तो वहां पे पिंडी में ये हो नहीं सकता। बल्कि इवन बाकी केसेस, ये हम नहीं कह रहे, अदालतें कंसिस्टेंटली कह रही हैं कि सारे केसेस को नायब इस्लामाबाद पिंडी में मूव किया जाए, जी क्योंकि पिंडी में कोई, कराची में कोई कॉपरेट नहीं कर रहा, और ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि वहां पे नई गवर्नमेंट एक, अब गवर्नमेंट को कैसे अकाउंटेबल करें, कैसे एक सिटिंग गवर्नमेंट का एहतसाब करें, ये क्वेश्चन है जो बार बार वो 18वीं तरमीम में कह रहे थे कि इनका ख्याल है 18वीं तरमीम का मतलब ये है कि हमें एक फिफ्टम मिल गई है, और एक दफा क्योंकि हम इलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने वहां का निजाम को रिक कर लिया है, वहां के वडेरे हमारे साथ हैं, इसलिए हमें पूछे ना, वहां हम जी चोरी करें, डाके मारें, लोगों के घर से करोड़ों अरबों निकले, लॉकरों से पैसे निकले, घड़ियां रोलेक्स की जो घड़ियां है दस निकलें दस करोड़ करोड़ों की की। घड़ियां निकले हाँ जो है, मगर हमें पूछे ना, क्योंकि 18वीं तरमीम है, क्योंकि 18वीं हमें तरमीम में हम इख्तियार इंडिपेंडेंट नहीं है हैं, इनके और पास। ये क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सिंध है और हम उसके बादशाह हैं, हमें ठीक पूछे है ना, ये ठीक इनका है 18वीं तरमीम का मतलब है।